आपके सामने एक तस्वीर है, आसमानी रंग की शर्ट और नीली हाफ पैंट पहने कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे। कोई दरी पर बैठा है तो किसी के हिस्से वो भी नहीं आई। स्कूल की इमारत तो पक्की नजर आ रही है। हाँ, इन नौनिहालों को जमीन पर बैठे देख स्कूल प्रशासन की नींव जरूर कमजोर लग रही है। ऐसा नहीं है कि इनके पास बच्चों को बैठाने के लिए कमरे नहीं हैं, इनके पास बच्चों के लिए बकायदा स्मार्ट क्लासरूम है, लेकिन इनके प्रिंसिपल को लगता है कि ये बच्चे स्मार्ट क्लास को खराब कर देंगे। इसी के चलते हर रोज इन बच्चों को जमीन पर धूल मिट्टी के बीच बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह नज़ारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के कुदूदंड स्कूल का है। आज तक के सहयोगी मनीष शरण ने इस मामले पर रिपोर्ट की है। मनीष ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्षेत्रीय पार्षद श्रद्धा जैन ने इसके बारे में जानकारी दी है। श्रद्धा ने प्रिंसिपल से मिलकर इस मामले को सुलझाने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। उनका कहना है कि प्रिंसिपल स्मार्ट क्लास में ताला लगा कर रखती हैं। ये घटना कुदूदंड स्कूल की है। कुदूदंड स्कूल में हमें ऐसी शिकायत मिली थी कि यहाँ पर बच्चे जो है वो बाहर बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ के टीचर्स भी बाहर बैठे हुए हैं। हमें ऐसी शिकायत 1.5 महीने पहले मिली थी और उसके बाद हम जब महतारी वंदन का शिविर लगा तब भी हम वहाँ निरीक्षण करने के लिए गए थे। तब हमें पता चला कि सच में वहाँ बच्चे बाहर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल है वो रूम को लॉक करके ताला की चाबी लेकर चली जाती हैं एंड वहाँ पर जो बच्चों के लिए क्लासेस बनाई गई है स्मार्ट स्कूल के तहत, वो क्लासेस को हाई स्कूल के बच्चों रिजर्व करके रखती हैं, प्राइमरी और मिडिल को अलॉट नहीं करके रखी हुई हैं। ऐसी हमें जानकारी मिली। हमने प्रिंसिपल को 3 से 4 बार बोलने का कोशिश किया कि आप इस पर एक्शन लीजिए, आप बच्चों को रूम्स अलॉट कीजिए, वॉशरूम को लॉक मत कीजिए, टीचर्स को स्टाफ रूम प्रोवाइड कीजिए, बट प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं सुनी। इसी के बाद एक स्थानीय पत्रकार सूर्या ने एक ट्वीट किया। सूर्या ने अपने ट्वीट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन और शिक्षा मंत्री को टैग कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस पूरे प्रकरण पर जब मनीष ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर TR साहू से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी वो एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में व्यस्त हैं। जो शिकायत आप कह रहे हैं तो मैं भी इसको सुना हूँ और आप लोगों के माध्यम से मैं संपर्क करने की भी कोशिश किया तो पता चला कि मैडम अभी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष के रूप में अन्यत्र गई हुई हैं। अब जो आ जाएंगी उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितना उचित है कि जिनके लिए स्मार्ट क्लास बनाया गया है वही बच्चे बाहर बैठे रहे, यदि यह क्या कितना उचित आपको लगता है? नहीं, अंदर तो बैठना जरूरी है, क्लासरूम में ही बैठना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसके बारे में पूछेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब प्रिंसिपल के आने के बाद क्या कार्रवाई करेंगे ये तो वक्त बताएगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे अभी भी ज़मीन पर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमने कुदूदंड स्कूल की प्रिंसिपल रीता तिवारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक रोज़ कहा था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ। शायद ऐसी ही किसी बात को सुनकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बच्चों को ज़मीन पर बैठाया जाएगा, बच्चों के लिए बने स्मार्ट रूम में ताला लगाया जाएगा। बिलासपुर से कुछ रोज़ पहले भी एक वीडियो आया था। वीडियो में एक शिक्षक स्कूल के स्टाफ रूम में बाकी शिक्षकों के सामने बैठकर शराब पी रहा था। कह रहा था, आज टेंशन ज़्यादा है तो यहाँ पी रहा हूँ, वरना घर पर ही पीता हूँ। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुदूदंड स्कूल के प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं ये भी पता चलने पर आपको बताएंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई है मेरे साथी रजत पांडे ने। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।